इस वेला में 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर यह समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें, उसकी आराधना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी राम 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 जय श्री राम। भव भय भंजन अंतर्यामी श्री राम जय राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी भव भय भंजन अंतर्यामी राम नमामि नमामि नमामि। मंगल में रघुनाथ हमारे मंगल में रघुनाथ हमारे शरणागत के तुम ही सहारे शरणागत के तुम ही सहारे। मंगल में रघुनाथ हमारे धारक जनमन रंजन जनमन रंजन जनमन रंजन। खल संहारक अरिमद गंजन अरिमद गंजन अरिमद गंजन। शील सिंधु करुणा के सागर धीर वीर अतुलित बल आगर धीर वीर अतुलित बल आगर। जन सुखदायक कष्ट विदारक भौतिक दैविक ताप निवारक रघुबर दा दल संहारक।
मंगलमय रघुनाथ हमारे, मंगलमय रघुनाथ हमारे। साथियों आज शुक्रवार है, शक संवत 1945 के फागुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 15 मार्च सन 2024। समय मिलाएगी 6:15:56, 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और राम नाम का ये सुमिरन हम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर आज अर्पण में। आइए सुनते हैं एक और राम भजन। सुमति सीताराम आत्माराम सीताराम, सुमति सीताराम आत्माराम सीताराम, सुमति सीताराम। तरण तारण चरण चारों, तरण तारण चरण चारों धाम, सीताराम सीताराम सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम। शाश्वत सी कृपा सीता राम, शाश्वत श्री कृपा सीता सीता, शाश्वत श्री कृपा सीता राम, भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन, भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन, सर्वदा सम्मुख विराद सम्मुख विराद, आंजनेय प्रणाम सीताराम सीताराम, सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम, सुमति सीताराम। धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा, धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा, धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा, अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा, अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा,
सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम सीताराम सीताराम। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ। हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत राय। MHz यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। आज देश भर रहा है विकसित भारत की मंजिल की ओर ऊंची उड़ान। हर क्षेत्र में हो रहा है राष्ट्र निर्माण। मिल रहा है तेजी से करदाताओं की बढ़ती संख्या का साथ। सबके प्रयास से ही तो हो रहा है पूरे देश का विकास। तो इस विकास में जरूरी है आपकी भी भागीदारी। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 या उससे पहले अवश्य जमा करें और समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। कंपनीज कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। अब तो कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। अभी मन नहीं है, पता नहीं किस बात की फिक्र है, लेकिन एंजाइटी फील हो रही है। हाँ तो इसके बारे में खुल के बात की जाती है। कैसे? अगर आप किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बारे में किस से बात करें, तो आप फोन मिलाएं टेलीमानस को। जी हाँ, सरकार द्वारा चलाई फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज आपके शहर में उपलब्ध है, जिसमें आप 24/7 टोल फ्री नंबर 14416 डायल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी हाँ, अब आपके साथ है हरियाणा सरकार। आपकी हर प्रॉब्लम का मिलेगा सॉल्यूशन टेली मानस के साथ। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। छह 6:24 और 11 सेकंड 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर श्रद्धा और भक्ति से सजा ये है कार्यक्रम अर्पण। और आज स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। साथियों, सबकी चेतना का सजीव नाम है राम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक श्री फल देने वाला नाम राम है। इस एक शब्द राम में इतना अधिक महत्व है अपने आप में समाया हुआ कि जन्मोत्सव में श्री राम के नाम का सोहर होता है और विवाह आदि मांगलिक कार्यों के अवसर पर भी श्री राम के गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की अंतिम यात्रा में भी राम नाम का ही जाप किया जाता है। आइए इसी राम नाम का भजन कर हम भी उस श्रीफल की यात्रा में शामिल हो जाएं। राम है स्वनाम धन, राम धन नाम, राम को प्रणाम, राम राम
साथियों, राम नाम की इस महिमा का गुणगान हम जारी रखेंगे अर्पण में इसी तरह से, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है प्रायोजित कार्यक्रम जगत गुरु आदि शंकराचार्य का। आइए सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। डीजे प्रस्तुत है सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य। श्रोताओं, जगत गुरु शंकराचार्य के पहले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि कालड़ी के शिव भक्त शिव गुरु और आर्यम्बा नामक दंपति को भगवान शंकर की कृपा से एक सुंदर सुशील और तेजस्वी मेधा के धनी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया शंकर। शंकर ने अपनी मेधा के बल पर 3 वर्ष की आयु में मलयालम के ग्रंथ पढ़ना आरम्भ कर दिया था। पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा भी अपने पुत्र शंकर के उपनयन संस्कार के आयोजन की योजना बना ही रहे थे कि अचानक शिव गुरु का स्वर्गवास हो गया। लेकिन पति की इच्छा के अनुरूप आर्यम्बा ने 5वें वर्ष में पुत्र का उपनयन संस्कार करा के बालक शंकर को अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया। 7 वर्ष की आयु पूरी करते करते शंकर ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया और घर वापस लौट आए। इस पर माता की खुशी का ठिकाना नहीं था। गौरम्मा, ओ गौरम्मा, ले ले मिठाई ले। अरे आर्यम्बा तू, और ये मिठाई किस बात की खुशी है, हमें भी तो पता चले। मेरा पुत्र अपना अध्ययन पूरा करके घर आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। चल, अब तेरा भी बुढ़ापे का सहारा आ गया है, अब कोई अच्छी सी कन्या देख ले जो उसके साथ तेरा भी ध्यान रख ले। हाँ, बात तो तू ठीक ही कह रही है गौरम्मा। घर वापस आकर शंकर बड़ी तन्मयता से अपनी माता आर्यम्बा की सेवा करने लगे। जो समय बचता उसमें स्वयं वेदों और शास्त्रों का पठन पाठन करते और विद्यार्थियों को भी शास्त्र पढ़ाते। गुरु के रूप में शंकर की कीर्ति अब केरल नरेश राजशेखर के कानों तक पहुंच गई। राजशेखर ने अपने एक मंत्री को स्वर्ण मुद्राओं तथा अन्य उपहारों के साथ भेजकर ससम्मान उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। लेकिन ना तो शंकर ने केरल नरेश के भेजे हुए उपहार स्वीकार किए और ना ही निमंत्रण स्वीकार किया। तब केरल नरेश राजशेखर ने स्वयं शंकर के दर्शन करने कालड़ी जाने का निर्णय किया। प्रणाम आचार्य। यशस्वी भव राजन, आइए आसन पर विराजिए। आपके ज्ञान की चर्चा आज केरल के घर घर में हो रही है आचार्य, इसलिए दर्शन करने की लालसा से चला आया। ये सब गुरु कृपा का परिणाम है राजन। आपके हाथों में ये ग्रंथ कैसे है केरल नरेश? कुछ समय से मैं नाटक लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ आचार्य। अगर आप इन्हें पढ़कर अपना कुछ मंतव्य देंगे तो बड़ी कृपा होगी आचार्य। लाइए दिखाइए। जी, ये 3 नाटक हैं आचार्य। इस संदर्भ के बारे में हमें विस्तार से बता रही हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्ली की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा मोहन जी। केरल नरेश राजशेखर ने शंकराचार्य के साथ शास्त्र चर्चा की। राजा स्वयं कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने स्वरचित 3 नाटक पढ़कर सुनाए। शंकराचार्य ने उन नाटकों की प्रशंसा की, साथ ही गुण दोष भी बताकर त्रुटियों में सुधार किया। इस भेंट का प्रमाण ग्रंथों में मिलता है, किंतु नाटकों के नाम के संबंध में
इतिहास मौन है। अपने तीनों नाटकों की समालोचना से केरल नरेश प्रसन्न हुए और ये सोचकर संतुष्ट भी कि केरल राज्य में एक ऐसा महान व्यक्तित्व उभर रहा है जिसके ज्ञान की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी है। केरल राज्य का गौरव भी तो बढ़ रहा है। माता आर्यम्बा पुत्र की कीर्ति से अभिभूत थी। एक दिन उन्होंने विद्वान पंडित को बुलाकर अपने पुत्र की जन्म कुंडली दिखवाई। बालक के यशस्वी जीवन की चर्चा कर पंडित मौन हो गए। आप मौन क्यों हो गए पंडित जी? पुत्र अल्पायु होगा आर्यम्बे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरा पुत्र अल्पायु होगा? हाँ आर्यम्बा, कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो यही बता रहे हैं कि 8वें और 16वें वर्ष में विषम योग है और अनिष्टकारी भी। हे भगवान, महान विद्वान पुत्र लेकिन अल्पायु। आर्यम्बा के अंतर मन से आवाज आई, लेकिन सदाशिव से मांगा तो मैंने ही था। संतान भले ही अल्पायु हो, मूर्ख ना हो सदाशिव, पर इतनी अल्पायु कैसे विश्वास करूं? माता का हृदय कितना सब्र करता, उसके स्वर में वाणी में ममत्व उमड़ने लगा। आर्यम्बा पुत्र के विवाह के सपने संजोए बैठी थी। पंडित जी की भविष्यवाणी ने सारे सपने चूर चूर कर दिए। लेकिन बालक शंकर, उसका मन तो संसार से पहले ही विमुख हो चुका था। उसके भीतर मुमुक्षुत्व की कामना प्रबल हो उठी। मां से कहें भी तो कैसे, वो अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन वो अवसर आ ही गया। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह पुत्र और माता दोनों पूर्णा नदी में स्नान के लिए गए थे। माता आर्यम्बा रास्ते में गौरम्मा से बात करने के लिए रुकी थी कि गौरम्मा की निगाह शंकर पर पड़ गई। वे बोली, आर्यम्बा, तुम्हारा पुत्र कितना सुंदर और मेधावी है। यह तो भगवान शंकर का विशेष कृपा प्रसाद है गौरम्मा। विशेष कृपा प्रसाद? हाँ गौरम्मा, तुम तो जानती हो विवाह के अनेक वर्ष पश्चात भी हमारी कोई संतान नहीं थी। कितने ताने सुनने पड़ते थे। तब एक दिन मैंने अपने स्वामी को अपनी पीड़ा के बारे में बताया। स्वामी, क्या हुआ आर्यम्बा? कितना समय बीत गया, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। सोचकर बहुत पीड़ा होती है। क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीतेगा स्वामी? क्या पता, भगवान भोलेनाथ की यही इच्छा हो। स्वामी, हमने कभी भी भगवान महादेव से कुछ नहीं मांगा। एक बार उनसे प्रार्थना करके देखे, क्या पता वे हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ही ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भगवान सदाशिव ने हमारी पुकार सुन ली। गौरव माँ, मेरा पुत्र उन्हीं की कृपा का प्रसाद है बहन। अरे अरे, देखो तुम्हारा पुत्र कितने गहरे में जाकर नदी स्नान कर रहा है, रोको इसे। अरे अरे, स्नान के लिए इतने गहरे में क्यों जा रहा है पुत्र, वापस आ। मैं गहरे में नहीं उतर रहा हूँ माते, मेरा एक पांव मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, वही मुझे गहरे में खींच कर ले जा रहा है। अरे कोई बचाए मेरे पुत्र को, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ रखा है। बचाओ बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। कोई नहीं बचा पाएगा माते। कोई है जो मेरे पुत्र को बचा ले? हे भोले शंकर, ये कैसी लीला दिखा रहे हो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो मेरे पुत्र पर, कृपा करो महादेव, उसकी रक्षा करो, रक्षा करो शिव शंभु। कोई लाभ नहीं है माते, ईश्वर की संभवतः यही इच्छा है। कैसी इच्छा पुत्र? यही कि अब मुझे जाने की आज्ञा दे दो माते। जाने की आज्ञा दे दूं? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है,
इसे ही ईश्वर की इच्छा मान लो माते। नहीं, नहीं, नहीं पुत्र, ऐसा मत बोलो। मगरमच्छ ने मेरा पाव बुरी तरह पकड़ रखा है माते। धीरे धीरे ये मुझे अपना ग्रास बना रहा है। तुम्हारे पुत्र का जीवन समाप्त होने जा रहा है माते। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे छुड़ाऊं अपने पुत्र को? कैसे छुड़ाऊं अपने पुत्र को? ये मुझे छोड़ तो सकता है माते, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? मुझे सारी शर्तें स्वीकार है पुत्र। मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दो माते, तभी तुम्हारा ये पुत्र बच सकेगा। माता आर्यम्बा क्या करती? एक और माता का ममत्व, दूसरी ओर पुत्र का जीवन। ममत्व भी तभी बचता जब पुत्र का जीवन बचता। माता ने पुत्र के जीवन की रक्षा का रास्ता चुना। उसने पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा दे दी। शास्त्रों में ऐसे सन्यास को आतुर सन्यास बताया गया है। इस सन्यास का स्वरूप कैसा होता है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं स्वामी चिद्घनानंद जी महाराज। वस्तुओं के अनित्यत्व दुख हेतुत्वादि के कारण अथवा द्वितीय मात्र को स्वप्नवत जानने के कारण मनुष्य के मन में भोगों से उपराम उत्पन्न होता है, इसे ही सन्यास कहते हैं। यह चैतन्य के निर्मल और आनंद स्वरूप को प्रकट करने का एक साधन है। जब वैराग्य से सन्यास होता है तो इसका उपयोग ब्रह्मात्मिक ज्ञान के लिए होता है, और जब एक ज्ञानी सन्यास लेता है तो मनोवृत्तियों के सर्वथा उपराम के लिए ही इसका उपयोग होता है। सर्वथा सन्यास द्वैतोपशम का हेतु है, पर मृत्युशय्या पर पड़ा या मरणासन्न अशक्त व्यक्ति जब विधिपूर्वक सन्यास ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो सन्यास में श्रद्धा के कारण वह उसी अवस्था में सन्यस्तो हम इस प्रकार का संकल्प करता है, जिससे उसके पाप का क्षय हो और समीचीन लोक की अथवा ज्ञानादि के अनुकूल देहादि की प्राप्ति हो। इसी मानस संकल्प को आतुर सन्यास कहते हैं। मगरमच्छ ने उस मेधावी बालक शंकर का पांव छोड़ दिया। इसके बाद की कथा सुनिए जगतगुरु शंकराचार्य के अगले यानी तीसरे एपिसोड में, अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जगतगुरु शंकराचार्य। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार हैं शैलेंद्र पांडे, विनोद शर्मा, मयूर व्यास, सबीना मलिक, नंदकिशोर पांडे, भाग्यश्री राव, श्वेता पाडवाल, महिमा कछवाह, दीप्ति प्रभाकर राणे और नीलम कुमारी। प्रेरणा महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी। सहयोग कॉल ऑफ धर्म फाउंडेशन। संयोजन रोहन चावला। शोध इंदिरा मोहन। रेडियो आलेख सोमदत्त शर्मा। और इसका निर्देशन कर रहे थे हेमंत वर्मा। ये कार्यक्रम सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश के लिए बाबा ऑडियो विजुअल्स द्वारा जय हिंद स्टूडियो मुंबई में रिकॉर्ड किया गया। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। छह बजकर 44 मिनट और 24 सेकंड
आकाशवाणी 100.1 पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस का ये सुंदर संगीतमय गान। राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ। पथ करन धरो धनु लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले सकल लो सब भूप डराने सियहिय हर सुजन कुसकु जाने गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही सय नहीं रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हरषु बिषादुन कछु उर आवा ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए ठवनी जुबा मृग राजुल जाए
संग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बृंग निपन केरी आसानी सीनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने हए बिसोक कोक मुनि देवा परि सही सुमन जनावही सेवा गुर पद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन्ह सन आय सुमागा सहजही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहूं राम गणेश गोसाई राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए सीता स्नेह बस बचन कहई बिलखाई सखी सब कौतुक देख निहारे जेउ कहावत ही तू हमारे कौन बुझाई कहई गुर पाही ए बालक असी हठ भली नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करी दापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाती न जानी बोली चतुर सखी मृदु बानी तेजवंत लघु गनिय नरानी कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोशेव सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघुलागा उदय दासुति भुवन तम भागा तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। साथियों अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का ये सुंदर संगीतमय गान, लेकिन अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का 7:10 पर। एक बार आपसे फिर मिलूंगी मोहि ब्रज बिसरत नाही में, तब तक के लिए पूजा को आज्ञा दीजिए।
आप जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ। अब